हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई, आज हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में। वो चीज़ें क्या हैं? लेट्स सपोज कि चैनल तो बना लिए यार, वीडियो भी बना ली, मैं कह रहा हूँ टैग्स भी लगा लिए, कीवर्ड्स भी लगा लिए, हेडलाइन भी अच्छी निकाल ली यार, टूल्स भी सारे यूज़ कर लिए, बट फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? यही तो रीज़न है ना सबका कि व्यू दूसरे के बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बट हमारा चैनल नहीं ग्रो कर रहा। क्या रीज़न है यार? यही तो बात करनी है आज हमें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तीन ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको अपने कंटेंट को बनाते वक्त बिल्कुल मिस नहीं करनी है, लिटरली यार बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी एक मेजर फैक्टर है जो ये रीज़न हो सकता है कि आपके व्यूज़ तो नहीं आ रहे बिल्कुल। आपने मार्केटिंग भी कर रहे हो, बट मार्केटिंग करने का फायदा ही क्या जब आपका कॉन्टेंट अच्छा ना हो? ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना कि अगर ये ट्रिक सच में आपने यूज़ कर लेना तो कॉन्टेंट में तो भाई जान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आग लगा दोगे आग। तो ध्यान से सुनो और एंड तक देखना वीडियो। स्टार्ट करते हैं भाई। तो मैं बात करने वाला हूँ कुछ यार ऐसी तीन चीजों के बारे में कि हम क्या मिस कर देते हैं कंटेंट बनाते हुए। हर चीज मार्केटिंग ही नहीं होती, हम क्या करते हैं मार्केटिंग कर ली, टैग्स लगा ली, कीवर्ड्स लगा ली, और भाई हेडलाइन अच्छी कर ली, रिसर्च कर ली पूरी A to Z। यार मार्केटिंग क्या करेगी मुझे ये तो बता दो जब कॉन्टेंट अच्छा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? पहले वी नीड टू फोकस मोर ऑन अवर कॉन्टेंट वाइल क्रिएटिंग। हम क्रिएट जब कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है भाई। अब कंटेंट क्रिएट करते वक्त क्या चीज़ें देखनी है ये भी देख लो। तो हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की, पहली भाई क्या होना चाहिए खुद सोचो यार। हम कंटेंट बना रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात क्यों सुनोगे? मैं कॉन्फिडेंस लगना चाहिए यार, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी आप मेरी बात सुनोगे। तो पहली चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट रहो हमेशा और कॉन्फिडेंस में ही कॉन्टेंट प्रोवाइड करो। कभी जब तक एनर्जी ना हो आपके अंदर तो वीडियोस बनाने मत जाओ, क्योंकि वीडियोस एक ऐसा है, आपका एक कॉन्टेंट है जिसमें आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है, तो एनर्जेटिक रहना पड़ता है आपको, और कॉन्फिडेंस खुद में तो लाना ही पड़ेगा यार। एक बहुत बड़े महान गुरु का कहना है क्या है कि अगर झूठ भी बोल रहे हो ना यार तो ऐसे कॉन्फिडेंस से कहो कि सामने वालों से सच मान ले। तो कॉन्फिडेंस इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर वीडियो। कॉन्टेंट बनाते वक्त कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना है भाई, कॉन्फिडेंस में ही रहना है। ठीक है, ट्राई करो, एनर्जेटिक रहो, बूस्ट अप रहो अपने अंदर। ठीक है, कंटेंट चलेगा नहीं भाई, चलेगा बिल्कुल, हिल जाए, फायर कर देगा, आग लगा देगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की भाई। सेकंड पॉइंट क्या आएगा सोचो। अब यार कॉन्फिडेंस तो आ गया, हम बोल तो रहे हैं, ठीक है, वीडियोज ही बन गई, ठीक है। अब क्या है भाई, सीन आ गया यार कि जैसे लेट्स गो, मैं वो बता रहा मतलब कि बाउंड करना है तुम्हें सामने वाले को। ऑडियंस क्या है ना, ऑडियंस लेजी है और प्लस स्लिपी है। स्लिपी और लेजी, स्लिपी क्या है, वो आपकी वीडियो से आप बाउंड नहीं करवाओगे। लेट्स मैं आपको बात कर रहा हूँ और मैं सोचते सोचते चला जाऊँ कि यार कि मैं क्या बोलने वाला था, मैं क्या सोच रहा हूँ, या मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था, तो वहां से बाउंडेशन खत्म भाई, लूज। क्या हो गया? ऑडियंस चली गई छोड़ के वीडियो। यही तो रीजन होता है आपकी एवरेज वॉच टाइम का घटने का। फिर क्या होता है, आप कहते हो यार कि व्यूज तो बढ़ रहे हैं भाई, 10,000 व्यूज हो गए, वॉच टाइम मेरा 1 मिनट से 1.5 मिनट से ऊपर जा नहीं रहा। क्या रीजन है भाई? यही रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे काम करके देख लो। नई वीडियो बढ़े तो मुझे बता देना, ठीक है भाई, लिटरली बढ़ेगा वो टाइम ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ आग लगा देगा। ठीक है, बाउंडेशन नहीं छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, बाउंड करके रखो हर किसी को, ऑडियंस को बिल्कुल, एक एक पॉइंट पे उन्हें एक ऐसी चीज दो मतलब वो एंड तक आपको लेके जाए, आपको आपकी वीडियो ने तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना मैंने क्या बताया आपको, कॉन्फिडेंस पहला पॉइंट। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, सेकंड बताया मैंने आपको बाउंडेड, बाउंड करना है भाई ऑडियंस को, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब जैसे मैं वीडियो बता रहा हूँ तो 3 पॉइंट्स तक जाना है आपको, देखना है ये बाउंडेशन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लिटरली। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है और अपने कंटेंट में भी करनी है, अप्लाई करनी है, और उसके बाद रिजल्ट देखना। नहीं आए ना तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना मैसेज और बता देना मुझे कि भाई नहीं हो रहा है, पर नहीं करो ना तो फिर बिल्कुल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हम थर्ड स्टेप की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना थर्ड थर्ड स्टेप, तो ये बाउंडेशन टूट जाती है, तो ऐसे नहीं करना। ये मेरा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। आप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या है भाई, आईज अट्रैक्शन। भाई आईज कैचिंग रहनी चाहिए हमेशा वीडियो में भाई। लेट्स सपोज क्या होता है, मैं इधर देख रहा हूँ, ये मैं इधर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? अबे क्या चल रहा है यार, वीडियो बना रहे हो तुम कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रहे हो, या लेट्स सपोज ठीक है तुम एक एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट दे रहे हो, वहां चल सकता है, मैं चलो मान लिया। बट अगर तुम एजुकेशन इंडस्ट्री में हो या कुछ चीज दे रहे हो, यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू बी आई कैचिंग, आई तुम्हारी हमेशा और अपने कैमरे पे होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए कि तुम बिल्कुल अट्रैक्टिव हो, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ठीक है, और हमारा क्या है, वीडियोस में देखते हैं आपके मेनली फेस दिख रहा होता है, तो फेस दिखता है, अब फेस दिखेगा, फेस ही तो मेन चीज है ना, फेस में क्या है, आईज दिखती है, हमारे आईज कॉन्टेक्ट होते हैं ऑडियंस के साथ, ये ध्यान रखना भाई। आईज, अपने लिपसिंग, बॉडी लैंग्वेज, आईज, ये हमारी सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं।
तो अपनी ये चीजें ठीक करनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप नहीं भाई ऐसे देख ले वैसे देख ले, ये भूल गए या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, भाई पहले तो अपने अंदर एनर्जी लाओ बिल्कुल ज्यादा ज्यादा, जितनी ज्यादा ला सकते हो, तभी वीडियो बनाने के लिए जाओ, उससे पहले तो बिल्कुल मत जाओ, मैं ये कहूंगा। ठीक है, टाइम लगता है, टाइम लो, ट्राई करो। और हर न्यू यूट्यूबर ऐसे यूट्यूबर नहीं बन जाता बिल्कुल भी, हर किसी को टाइम लगता है यार, मैं भी आया हूँ तो मुझे भी टाइम लगा है। कंटेंट ये नहीं कि आपके अंदर पहली वीडियो से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्यों पता नहीं चलता यार, कि देखो कंटेंट लिख तो लेते हैं हम, उसके बाद यार जब बोलने पे आते हैं ना तो पता चलता है कुछ चीज भूल गए या फिर कुछ चीज एक्स्ट्रा बोल दिया, कुछ चीज ज्यादा निकल गई या कम निकल गई। तो यार ये ना सारी चीज प्रैक्टिस करके आएगी, मैं तो आपको यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बट ये तीन चीजें हमेशा माइंड में डाल लेना आज ही भाई, सच में कह रहा हूं। अगर नहीं बढ़े ना वो उस टाइम तो बता देना मुझे लिटरली, ठीक है, और बढ़ जाए तो फिर बस चैनल ग्रो कर गया, मतलब समझो कर गया तो कर गया, चांद तक जाओगे सीधा। ठीक है, 3 ट्रिक्स, सिर्फ 3 ट्रिक्स, कभी भी मिस नहीं करनी है अपना कंटेंट बनाते हुए। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को वायरल कर दो, आग लगा दो भाई। अगर तुम्हें पसंद आया है तो ये मैंने जो तो आपको 3 रीजंस बताए कि जो आप मिस करते हो कॉन्टेंट में भाई, तो दूसरों को भी पता चलना चाहिए। ठीक है, तभी तो सब, कभी तो किसी की हेल्प करो, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू सो मच।